Hey guys, it's the day two of NIIT and मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी भारी हो गई है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हाँ, फिलहाल यहाँ पे कोई है नहीं, सारे बच्चे मरे पड़े हुए हैं। एक्सरसाइजेस जिम भी चल रहा है, बाकी हमारी सोसाइटी मतलब जो डांस वाली है वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको ढूंढने जा रहा हूँ। And I have to edit the vlog, so it's good. बाकी आगे दिखाएंगे और क्या क्या था। तो कल जैसे कि मैं बता रहा था, वहाँ से मेन एंट्रेंस है इनकी ग्राउंड की, कॉलेज की, और उधर से आते हैं। तो उधर से आने के बाद भी पीछे से रास्ता है ऊपर से, फिर ये इनका मेन ग्राउंड है, यहाँ पे सारे इवेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे इन लोग ने अच्छा सा स्टेज लगाया है के लिए, बहुत सुंदर है मेरे हिसाब से, मतलब इट्स परफेक्ट। मेन चीज़ है कि बहुत अलग है यार, स्टेज कैप्चर कर लिए पहले। हाय गाइस, अरे उस पे फोकस कीजिए सर, हम जिसमें आए। इंजेन्युइटी। तो कितने एकड़ की जमीन में भैया, पता है क्या? ये लगभग 80-90 एकड़ है। चलो ठीक है, पता नहीं कितना होता है। इसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कितना सुंदर है, लाजवाब है। ओह वाओ, डैम, दीस आर्ट स्कल्पचर्स, डैम ब्रो, आई एम इन लव। ओह यू सी सी, ओह ऋषभ पंत। आइए आपको दिखाते हैं गर्ल्स हॉस्टल कैसा है। रिसेप्शन तक दिखा सकते हैं, उसके बाद से फिर शायद मार के बाहर निकाल देंगे थोड़ा। अब इनको बताइए, बॉयज हॉस्टल में कुल लेके 2 फ्लोर है, उसमें भी हम बेसमेंट में रह रहे हैं। सही बात है, यहाँ पे गाइस 6-7 फ्लोर है इनके पास, आलीशान है। और ये पहला फ्लोर इनका बहुत भूतिया है। आपको पता होगा कि यहाँ एक औरत पढ़ती थी, लड़की पढ़ती थी, उसकी डेथ वेथ हो गई है, तो सबसे ऊपर फ्लोर बंद रहता है और भूतिया है। और कल रात सारी लड़कियाँ गन फटी में सोई हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, और उधर बता दो, ये सीट किस लिए है? बैठिए जरा, देखें कैसी जच रही है कि नहीं। ओ जच रहे हो भाई, जच रहे हो। क्वीन का आपके ऊपर से, आपके पीछे से सूरज उगाता है उनको। डैम ब्रो, ये देखिए, पिछले साल मिराकी ने यहाँ प्रैक्टिस करी थी, और यहाँ पे थोड़ी मिराकी की पिछले साल की प्रैक्टिस। नहीं है बट हाँ, काफी बड़ा, ठीक ठाक। तो कितने टाइम से यहाँ पे? जी हम तो कल ही आए हैं। गाइस, वी आर टुडे हियर एट NIIT एंड टैटू बनवाने आए हैं। तो टेम्परेरी टैटू है बट मैंने चूज करा है। एंड हु विल मेक द टैटू? कुछ हद तक इससे बहुत ज्यादा मिल गया मुझे। क्या करा आपने ऐसा? फोन हिला तो कुछ करा नहीं। क्या करा?
आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? पुरानी यादें याद आ गई हैं वापस? सेक्सी एज़ फक। अच्छा अच्छा, भाई साहब रुक जाओ, थोड़ा कंटेंट पूरा नहीं हुआ है अभी। तो ये पूछ रहे, तो अभी इस बार आप क्या धमाल मचाने वाले हैं? इस बार भी ग्रुप में आप गाने वाले हैं हम लोग के साथ? इस बार एक्चुअली मेरे को सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया, पर आई एम ग्लैड कि नहीं हो पाया। हमारे पास शेयर कर भी आ चुकी है, सब कुछ आ गया अब तो ब्रो, जिंदगी में गर्ल भी हमारे पास। It's the time to disco. Na 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 na. कौन मिलेगा देखो किसको? आप अपनी वाली पे नजर रखो, आती जाती होगी यहीं से। करना करना, समीक्षा आ रही है, आ रही है करना। अब नहीं आ रही ना, करूँ? आ गई, नहीं आ रही। कर तो, वो तो करूँ, आवाज सुन कर। पागल हो गया, कुत्ता थोड़ी है। आएगा आएगा यार। इस ब्लॉक पे रहेगी कि नहीं? पीछे इस ब्लॉक से बाहर पीछे चली जाएगी। ओए रे रे रे, छेड़ना रुक गई, बाहर ही जाएगी, बाहर ही जाएगी। भाई पार हो, भाई भाई यार नहीं नहीं, पार हो जाएगी। कैसे हो? कुछ तो बताओ ब्रो, ब्रो कुछ तो बोलो। ए भाई सुन तो, लाल आंखें हैं तेरी ब्रो। ब्रो 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 शर्माओ मत ब्रो, ब्रो तुम्हारी। अरे यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? आपको परफॉर्मेंस से पहले अभी तो थोड़ा डर भी लग रहा है, और लेट हो गया तो थोड़ा एक्साइटमेंट भी है, अब देखते हैं क्या होगा। ओके, आपको कैसा लग रहा है? फक के मॉल मार लेंगे एक दूसरे की और इनकी भी। कैसा लगा आपको परफॉर्मेंस से पहले? मेरे को नींद सी आई, मैंने खाना खा रखा। कैसा लग रहा है दूसरों की परफॉर्मेंस के बीच में आने में? मुझे भरोसा है भाई, सब फाड़ देंगे, एक नंबर करेंगे। कैसा लग रहा है आपको इतना बड़ा ये उठा के और परफॉर्मेंस से पहले? बहुत, पता नहीं क्या लग रहा है। बेस्ट ऑफ लक। कैसा लग रहा है आपको अपनी परफॉर्मेंस के अंत की तरफ जाते हुए? हाँ मतलब कैसा लग रहा है आपको सफेद कपड़ा पहन के? कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। तीन चार गाने हैं, सैया का अलग अलग स्केल, बैक टू बैक चल रहे ऐसे। अरे बंद कर यार, रिकॉर्ड भी यही बातें तो बाद में याद आएंगी। यार आशीष भैया की शक्ल कपिल शर्मा जैसी लगती है, उसका यंग वर्जन। बहुत सही है कपिल शर्मा का, उसकी यंग वर्जन लिटरली। भैया दिस इज अभिषेक, तो नहीं मैं एक्चुअली ऑडिशन देना चाहता हूँ, मैं लगता हूँ एक्साइटेड हो रहा था, वीडियो कॉल पे गाना सुनाएगा। यही मेरी बंदगी है, यही मेरी पूजा, साथ में होना चाहिए सादा पा, वो साथ में होना चाहिए। इसमें इतनी ज्यादा सुर जाते हैं ना भाई, सागा पा सारे गा पा, एक एक नोट वहाँ टच करके जाना चाहिए, सागा पा तीनों। किस चीज में आया आपका? बेस्ट एक्ट्रेस हूँ मैं मोनोलॉग में, सिंगल परफॉर्मेंस। ओके, बेस्ट है, नाजरी नाजरी काबिल की इज्जत बच गई। What you ordered? Can you tell us? Double egg, double chicken.
क्या ऑर्डर करें? मेरे दो दोस्त ब्लॉगर बन गए हैं भगवान, फिर सिलेंडर निकालेंगे, फूड स्मार करने जा रहे हैं गाइस, ये पराठा से भैया भैया क्या डालता है क्या डालता है भैया? भैया प्याज डालने के बाद पूछेंगे क्या डालेगा भैया, क्या कर रहे हो भैया, कौन डाल रहे हो? जैसे तुम लोग को पता, अभी फिलहाल फैशन तुम लोग को नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, फैशन शो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो पापा ये ऐसे हम लोग हरकतें करते रहते हैं, बट कोई ना, हाँ तो फैशन स्टार्ट होगा भाई, मतलब कैसे निकाला है ऐसे पापा हम लोग यहाँ करते भाई, पापा पापा देखते हैं यार, अच्छा बच्चा है, प्रांजल साहू नाम है, हम अच्छे बच्चे हैं और हम लड़के हैं भाई, ये फोकस आउट ऑफ फोकस लड़के, ये लड़कियों का हॉस्टल है तो इधर वी कैन नॉट गो बट वी वॉन्ट टू गो, सो इट्स नॉट अलाउड, वो वहाँ पे स्टेज है जहाँ पे फिलहाल कोई कुछ नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई इट शुड हैव बीन स्टार्टेड, क्योंकि इन लोगों ने टाइम दिया था 7 बजे का,